हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक इंटीजर और रैशनल नंबर से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कराने वाली हूँ, जो अक्सर एग्जाम में आ जाता है, वन मार्क में या फिर टू मार्क में। आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, गिव एन एग्जाम्पल टू शो ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर। कह रहे हैं ऐसा कोई भी एक एग्जाम्पल दो जिससे आप ये शो कर सको कि जो सारे इंटीजर्स होते हैं ना वो रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन जो रैशनल नंबर्स होते हैं ना सारे वो इंटीजर्स नहीं होते हैं। देखो, आपको पता है इंटीजर्स वो होते हैं जिनको आप नंबर लाइन पे शो कर सकते हो इजीली, जिसके अंदर नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर आते हैं एंड प्लस नेगेटिव नंबर आते हैं, है ना। और रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। ये तो आप सभी को पता है, ये चैप्टर के जब हमने चैप्टर समझा था, चैप्टर नंबर 1 जो कि चैनल पर पूरा अपलोड है, वहाँ पर से हमने अच्छे से ये जाने थे कि ये सारे नंबर्स होते क्या हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स वगैरह सब चीज़। तो चलो आज कोई भी एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। जो एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको भी वही एग्जाम्पल लिखना है, आप कोई सा भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया, यहाँ पर लिया मैंने 2। जो ये 2 है ना ये मेरा इंटीजर भी है, और जो ये 2 है ना ये मेरा रैशनल नंबर भी है। अब आप सोच रहे होंगे इंटीजर तो समझ में आता है ये है, पर ये रैशनल नंबर कैसे है, ये तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है ही नहीं। तो क्या आप 2 को 2 अपॉन 1 नहीं लिख सकते, बात तो 2 ही है ना, तो बन गया पी अपॉन क्यू की फॉर्म, तो आ गया रैशनल नंबर भी, ठीक है ना। तो 2 जो है वो दोनों है, लेकिन अगर मैं 2 अपॉन 3 ले लूं तो ये मेरा इंटीजर है क्या, नहीं ये मेरा इंटीजर नहीं है। तो क्या ये मेरा रैशनल नंबर है, बिल्कुल ये रैशनल नंबर है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपके इंटीजर तो होते हैं लेकिन वो रैशनल नंबर भी होते हैं, पर जो रैशनल नंबर होते हैं वो इंटीजर्स नहीं होते हैं। क्लियर हुआ, ये मैंने एक एग्जाम्पल 1 लिया, आप एक और एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हो। मान लो मैंने लिया यहाँ पर -9, ये मेरा इंटीजर भी है और ये मेरे पास रैशनल नंबर भी है, दोनों चीज़ है। लेकिन अगर मैं -9/7 ले लूं तो ये मेरे पास इंटीजर नहीं है, क्योंकि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है ये खाली, पर ये मेरा रैशनल नंबर है। तो इंटीजर में होल नंबर, नेचुरल नंबर हो गए, नेगेटिव नंबर्स हो गए, ये इंक्लूड होते हैं, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 0 कोई से भी ले सकते हो, बट पी अपॉन क्यू की फॉर्म वाले जो होते हैं वो इंटीजर्स नहीं कहलाते हैं। अब जैसे 2/1 है या -9/1 है, ये इंटीजर कहलाएंगे क्योंकि इनके नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 है, बट ये इंटीजर नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप कोई भी एग्जांपल लेके समझा सकते हो एग्जाम में अपने टीचर को कि कैसे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं और कैसे रैशनल नंबर सारे इंटीजर्स नहीं होते हैं। क्लियर, थैंक यू।